हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये सीएसएस की कोडिंग करी गई है जिसमें मार्जिन पैडिंग बॉक्स की साइजेस बनाई गई है, एक नेविगेशन बार बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है, और कलरफुल। तो इसको अभी हमें सेव करना होगा। यहाँ पे देखिए होवर का भी मैंने यूज किया है और यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड्स भी यूज किए हैं, तो इसको हमें सेव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से चल करके इसको सेव करते हैं, एक फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर ये फोल्डर हमने बनाया है एचटीएमएल के नाम से, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ HTML तो वो HTML वाला फोल्डर हमें नजर आ जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर जा करके हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। और इसे सेव भी किस नाम से करना है, इसे सेव करना है नेविगेशन बार के नाम से सेव करना है, या किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन जो भी नाम देंगे वो नाम जो है आपको अपने HTML फाइल में देनी होगी। तो यहाँ पर ये navigation.css के नाम से सेव किया इसे और उसी फोल्डर के अंदर सेव किया। अब बारी है HTML वाले कोड की, तो मैं आपको HTML वाला भी कोड दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये है वो HTML वाला कोड जो कि मैंने लिखा है, और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML से स्टार्ट किया है, फिर HTML, और फिर चूंकि हमारे जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसका नाम था navigation.css, तो navigation.css यहाँ पर नाम हमने दे दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मेन्यूज बनेंगी जिसमें अबाउट आएगा, सर्विसेज आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा, ये तमाम डिटेल्स आएंगी, और यहाँ पे नैव नाम का एक टैग भी लगाया है हमने, तो ये देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। और अब चूंकि हम इसे अनऑर्डर्ड फॉर्म में रखेंगे इन चीजों को, ये जो बनेगा एक्टिव वगैरह जो भी कुछ मेन्यूज आएंगी इसे अनऑर्डर्ड फॉर्म में रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे UL यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे नैव लिंक्स दिया गया है, तो यहाँ पर इसको उसी फिर फोल्डर में सेव करना होगा। यानी यहाँ पर आकर के हमने सेव किया था, इस फोल्डर का नाम था HTML, तो इसी के अंदर भी हम इसे भी सेव करेंगे इसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आ गए HTML के अंदर और HTML के इसको सेव करेंगे इसके अंदर, और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो चाहे वो नाम दे दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस नाम से आपकी CSS फाइल है उसी नाम से आप जो है यहाँ पर जो लिंक करवाएंगे वो उसी नाम से करवाएंगे, जैसे navigation.css हमने दिया था तो वही हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर .html के ही एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगा, तो ये सेव हो गया। अब जब सेव हो गया तो इसको चल के रन कराना होगा, देखना होगा कि रन हो रहा है या नहीं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका नेविगेशन बार बन चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे नेविगेशन बन चुके हैं, और कुछ इस तरीके से ये काम करेंगे। जैसे ही इस पे ले जाते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है अपने आप, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है।